अमृत महोत्सव के अवसर पर सीआरपीएफ की ओर से संपूर्ण देश से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कन्याकुमारी से होकर राजघाट की ओर जाएगी। इस श्रृंखला में गुरुवार को संविधान चौक से अभिभावक मंत्री नितिन राउत ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। आज़ादी के 75 साल का जश्न देश भी हर कोई मना रहा है। हर ओर से अपने अपने स्तर पर इस जश्न को मनाया जा रहा है। इसी के चलते सीआरपीएफ की ओर से पूरे देश भर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो कन्याकुमारी से राजघाट की ओर जारी है, जिसके चलते गुरुवार को संविधान चौक से अभिभावक मंत्री नितिन राउत ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस संदर्भ में साइकिल रैली की डॉक्टर दर्पण ने अधिक जानकारी साझा की, साथ ही उन्होंने नागरिकों को साइकिल रैली के जरिए फिट रहने का आह्वान भी किया। सबसे पहले 75th इंडिपेंडेंस की सबको शुभकामनाएं, और हमारा मैसेज इस देश को यही है कि सीआरपीएफ ने एक रैली ऑर्गेनाइज किया है, साइकिल रैली, ताकि हम सब फिटनेस को प्रमोट कर सकें और हम अपने सारे देश के सारे विभिन्न सुंदर राज्यों में से गुजरें और सबको जागृत करें, सबको इनकरेज करें कि इस इंडिपेंडेंस का जो ये एक साल का हम फेस्टिवल मना रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस का, उसको हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए और फिटनेस को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। इस अवसर पर बात करते हुए सीआरपीएफ नागपुर के उप महानिरीक्षक प्रशांत जांबूकर ने बताया कि आज़ादी के महोत्सव को याद करते हुए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। आम्ही रैली करून राहिलो, आज़ादी का अमृत महोत्सव साठी ही रैली करून राहिलो, आणि आम्हाला एक सगळ्यांना मेसेज द्यायचा आहे थ्रू आउट द कंट्री की आपल्याला जी आज़ादी मिळाली आहे त्याच्यासाठी आपण खूप मेहनत केली आहे आणि समोरही आपल्याला खूप त्याच्यासाठी मेहनत करावी। थँक यू। हे कन्याकुमारीवरून आली आहे इथे नागपूरला, आता नागपूरवरून जाईल राजघाटपर्यंत। इस अवसर पर अभिभावक मंत्री नितिन राउत भी मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी यादें साझा की, साथ ही साइकिल रैली में सहभाग लेने वाले साइक्लिस्ट की हौसला अफजाई की। निश्चित रूप से जब आजादी की हम बात करते हैं तो हमें वह दिन याद आते हैं कि जब ब्रिटिशों के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता के नौजवान साथियों ने अपने प्राण न्योछावर किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने किसी भी प्रकार का रक्तपात न होते हुए इस देश को आज़ादी दिलाई। मैं उन सभी तमाम शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, श्रीनगर और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के सभी शहीद जवान। बता दें कि देश की चारों दिशाओं से ये रैली निकाली गई है, वहीं नागपुर से जो रैली निकली है वो 4 दिनों के भीतर जबलपुर पहुंचेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो सीआरपीएफ की ओर से रैली निकाली गई है, उसका आयोजन हो चुका है, नागपुर से इसका आगाज हो चुका है। पालक मंत्री नितिन राउत ने रैली को हरी झंडी दिखा दी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे से रैली की शुरुआत हो चुकी है और रैली का जो आगाज है, ये रैली कन्याकुमारी से निकली है, राजघाट की ओर जाएगी और देश के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा अटवार, BC News नागपुर।